मणिपुर की घटना से आक्रोशित कांग्रेस ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी क्रम में काशीपुर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मणिपुर हिंसा के ऊपर दो शब्द भी लोकसभा में नहीं बोले हैं। एक तरफ मणिपुर में हिंसा हो रही है, बच्चे जल रहे हैं, लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, रोटी मिल नहीं रही है, सुलग रहा है मणिपुर। जिस तरीके से लोकसभा में जितने हल्के तरीके से और मजाकिया तरीके से जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं और जिस तरीके से मणिपुर को उपेक्षित किया जाता है, वहाँ माँ बेटियों की इज्जत को जब नज़रअंदाज किया जाता है और उन पर मोदी जी एक दिल से एक शब्द नहीं बोलते, ये इस देश के लिए बहुत शर्म की बात है। मसूरी में श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें रंगोली, मेहंदी, नृत्य और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस दौरान डीजे की धुन पर महिलाएं जमकर थिरकी और एक दूसरे को तीज की बधाई दी। कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, गीता रावत, प्रदेश महामंत्री बीजेपी महिला मोर्चा उपस्थित रही। पहले मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जो हमारी प्रदेश महिला मोर्चा है, महानगर महिला मोर्चा है और हमारा जो स्थानीय महिला मोर्चा, उन सबको बधाई देती हूँ। समस्त मातृशक्ति को तीज के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ईश्वर से उनके सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हूँ, उन सबकी जोड़ी बनी रहे। हमारे उत्तराखंड में शिव की भूमि है और जो तीज का त्यौहार होता है, ये शिव और पार्वती का मिलन का त्यौहार है, तो इसको महिलाएं बहुत उत्साह के साथ मनाती हैं और सभी बहनें एक दूसरे के लिए बधाई देती हैं, शुभकामना देती हैं। मसूरी खेल और सांस्कृतिक समिति की ओर से नगर पालिका परिषद के सहयोग से रन फॉर द नेशन क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विभिन्न वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता में रोटरी क्लब की ओर से पुरस्कार वितरण किया गया। वहीं नगर पालिका ने कार्यक्रम में सहयोग किया, साथ ही ITM के निदेशक ने पुरस्कार वितरण में सहयोग किया। इस मौके पर ITM के निदेशक श्रीधर कट्टी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जहां युवाओं का उत्साहवर्धन होता है, वहीं खेल के प्रति उनमें रुचि पैदा होती है। आरोग्य को इतना अच्छा बनाना चाहिए, स्वस्थ बनाना चाहिए, क्योंकि ये कहावत है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। जब तक हम अपने सेहत की पूरी ख्याल नहीं रखते हैं, तब तक हमारे विचार आइडियाज़ इतने ब्राइट ना हो सके कि हम पूरी दुनिया में अग्रसर हो जाए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये 11वीं रन फॉर द नेशन क्रॉस कंट्री दौड़ है और नगर पालिका परिषद और रोटरी इसमें हमें सहयोग करती है। प्राइजेज में हमें रोटरी सहयोग करती है और बाकी चीज़ों में नगर पालिका परिषद हमें सहयोग करती है। और ये मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें मसूरी के लगभग सभी स्कूलों ने भाग लिया है, करीब 400 बच्चे इसमें भागे हैं। पौड़ी जिले के ब्लॉक के उमलाग गांव में बिजली का खंभा टूटने से 300 परिवारों की बिजली गुल हो गई है। गनीमत रही कि जोन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय निवासी राजकुमार ने बताया कि 300 परिवारों के गांव में अगर सूझबूझ नहीं होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बिजली का खंभा टूटने से बिजली की तारें जमीन में आ गई थी, जिससे आसपास के मकानों में करंट फैलने का खतरा था। उन्होंने बताया कि हाल ही में चमोली हादसे से सबक लेकर उन्हें सबसे पहले विद्युत विभाग को घटना की सूचना दी और लाइट काटने को कहा। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग ने गांव में बिजली तो काट दी है, लेकिन शासन प्रशासन ने तत्काल बिजली की समस्या का निराकरण करने की मांग की है। रानीखेत पुलिस ने कठपुड़िया से घिंगारी खाल और सल्ट पुलिस ने मरचूला और भीनखाल क्षेत्र में PWD के साथ संयुक्त अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को JCB से हटाया। इसके बाद संयुक्त टीमों ने स्थानीय दुकानदारों और लोगों को अतिक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने, भविष्य में अतिक्रमण पाए जाने पर चालानी कार्रवाई करने की बात कही है। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नगर कोतवाली पुलिस ने करोड़ों की जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत पर CM पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे। इस निर्देश पर SSP देहरादून ने एक टीम गठित की थी। पुलिस की छानबीन में मामले सामने आए कि गिरोह का सरगना इमरान नाम का एक वकील है, जो अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने इमरान की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी है। फोर्स तैयार करके और वहाँ रजिस्ट्री में और उसको फोर्स डॉक्यूमेंट को रख करके फिर वहाँ से हेरा फेरी करने वाला काम उसने किया और इसमें 3 पकड़े गए हैं। एक इमरान जो है वो अभी फरार चल रहा है, उसको हम तलाश कर रहे हैं। उसके जब हम उसको अरेस्ट करेंगे तो उससे भी काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी।
पूर्व में कुछ दिन पहले हमने एक मक्खन सिंह नाम की लड़की भी इसी सिलसिले में हमने रेस्ट किया है और उसे भी बहुत सारी जानकारी मिली। त्यूनी से सेब की पेटियां लेकर देहरादून मंडी जा रहा एक पिकअप वाहन हरिपुर कोटी म्यूनिस मोटर मार्ग पर छिबरो पावर हाउस के पास टोंस नदी में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी से वाहन को बाहर निकाला। इस दौरान चालक का शव वाहन के अंदर फंसा हुआ था। मृतक की पहचान पदम 29 वर्षीय निवासी ग्राम भाटगढ़ी पोस्ट कठंग तहसील त्यूनी के रूप में हुई है। बताया गया है कि वाहन में केवल चालक ही सवार था।